Fire, we are moving up the road towards the town to the east. Confirm you have a visual on us. Got eyes on friendlies. Crew, do not fire on any target marked by a strobe. Those are friendlies. कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर इस तरीके का मिशन मैंने भाई पहली बार देखा है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का मिशन बैटलफील्ड इस तरीके गेम्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, मगर अभी जो है कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी इस तरीके के मिशन को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। तो फिलहाल शायद हम लोग किसी तरीके के एक प्लेयर में हैं भाई, ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे हैवी गन्स लगे हुए हैं भाई। इसके अंदर कैनन गन्स है, नॉर्मल रैपिड फायर गन्स है, तो ये सब गन्स इसके अंदर है। और नीचे जो आप देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ये नहीं, ये वाले जो लोग हैं भाई, ये है हमारे एनिमीज। तो नमस्कार देवी और संजना, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर रीमास्टर्ड। इनको मारना है सबसे पहले, तो इनको मारते हैं यहाँ से, देखते हैं, शूट करते हैं, चलो। ओ भाई साहब, क्या भाई क्या ब्लास्ट हुआ यार, ये देखो गाड़ी यहाँ पे फूट गया और ये लोग यहीं पे खड़े हैं। ओ भाई, इस कैनन का तो भाई बहुत तगड़ा पावर है यार। ये देखो, ये सब जितने भी लोग हैं भाई, ये सब हमारे एनिमीज हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चल रहा है मुझे। थोड़ा इनको मैं हैंडल कर लेता हूँ, उससे पहले भाई हमारे जो बंदे हैं नीचे भाई, कैप्टन प्राइस, निकोलाई, गैज, सोप, जैसे मैं जैसे नीचे था वही अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। मेरा कैरेक्टर जो है थोड़ा यहाँ पे चेंज हो गया है, तो बंदों को, हमारे जो बंदे हैं उनको सही सलामत हमें जो है पहुँचाना पड़ेगा घर। यहाँ से बिल्कुल चीटी की तरह दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो सारे मिलके एकदम। ओ भाई साहब, बहुत ही बढ़िया पावर है भाई इस गन का, मतलब ये छोटा मोटा कोई कैनन है। ये सब है हमारे एनिमीज, और कहाँ गए, ये देखो ये सब बंदे हैं भाई हमारे खुद के बंदे, क्योंकि ये जो है फ्लैशिंग हो रहा है इनके जो बॉडी भाई, देखो। ओ भाई साहब, अभी बहुत ज़्यादा करीबी मामला हो चुका था, तो ये देखो और भी बंदे आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे गाड़ी को ही फोड़ दिया भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये वाला मिशन तो सबसे तगड़ा वाला मिशन है। भाग कर रहे हो भाई, कहाँ भाग रहे हो? ये देखो ये सब बंदे हमारे बंदे हैं, क्योंकि ये जो है फ्लैशिंग हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई कौन सा हमारा बंदा है और कौन सा उनका बंदा है। सो और कहाँ पे है, और कहाँ पे है, लेट्स सी। और ये देखो, ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं। ओहो हो भाई, किधर किधर भाई साहब किधर? अरे अरे, दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये बादल, हाँ ये शायद बादल है कहीं, क्योंकि इतना ऊपर तो धुआं आ नहीं सकता भाई, ये बादल ही होंगे। और काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे हैं, जिस वजह से हमें जो है अभी एयर स्ट्राइक करना पड़ेगा, और यही वाला जो प्लेन है इससे ही एयर स्ट्राइक करा जाता है। जैसे कि पिछले मिशन में आप लोगों ने देखा था कि बादल के अंदर से भाई इसको इस गन से फोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मशीन गन है भाई। ओहो हो, मशीन गन है। अरे मगर इससे निशाना लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई साहब, ये देखो लग ही नहीं रहा इसको। हटाओ यार, हटाओ इसको। और ये है सबसे बड़ा वाला गन, सबसे बड़ा कैनन, इससे हम जो है, ओ भाई साहब, इससे भाई बड़े बड़े टैंक्स को हम फोड़ सकते हैं। वो देखो उस जगह पर क्या हालत हो गया। ऑलराइट, कहाँ पे है और बंदे, कहाँ पे है? ये तो हमारे बंदे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे गाड़ी आ चुके हैं भाई, इस गाड़ी के अंदर सारे हमारे बंदे बैठेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। फिलहाल तो हमारे बंदे जो हैं अभी गाड़ी पे बैठ रहे हैं, और शायद यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे भाई। इनके ऊपर हमें कड़ी नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं बंदे कहाँ पे होंगे और इनके ऊपर हमला कर देंगे। तो भाई मैं यहाँ पे कैमरा मोड जो है इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ये वाला ही मुझे बेहतर लग रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है। और एक और मोड है भाई, वो ब्लैक कलर का है, तो वो वाला पसंद नहीं आया मुझे। ऑलराइट, तो ये वाला जो कैनन है भाई, 40mm का कैनन, ये सबसे बढ़िया है। और ठीक है, नीचे शायद वो लोग सिविलियंस होंगे, अब ये लोग निकलेंगे यहाँ से, और इनके ऊपर भाई हमें कड़ी नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के शायद इनके ऊपर बंदे जो है हमला करेंगे, तो इनको सपोर्ट देना पड़ेगा हमें, इसलिए हमें जो है एयर स्ट्राइक के लिए हमें चुना गया है। तो लेट्स गो। और ये लोग भाई कितना टाइम लगाएंगे गाड़ी में बैठने के लिए? हाँ भाई हाँ, समझ में आ गया, तुम लोगों के ऊपर हमला नहीं करूँगा। तो ये लोग गाड़ी छोड़ चुके हैं, अब जो है मुझे आगे देखना पड़ेगा भाई, आगे कहाँ पे भाई। ये बादल कभी कभी जो है मेरा जो ये, ओ भाई साहब ये देखो घर के ऊपर, देखो भाई ये लोग आरपीजी मार रहे हैं यहाँ से। लो भाई हम बड़े गन से, और उसके बाद ये 40 कैनन से भाई, 40mm के कैनन से इन सबको फोड़ के रख देंगे। देखो यहाँ पे छत पे और भी बंदे हैं। ओ
भाई साहब कितने सारे बंदे हैं यहाँ पे। ये देखो एक और यहाँ पे टैंक आ रहा है तो इसको भी फोड़ देता हूँ मैं। अरे लग जा लग गया, चलो लग जा गले कि फिर ये चलो। ओके यहाँ पे और भी बंदे आ रहे हैं छत पे, मगर एक के बाद एक हम सभी को यहाँ पे फोड़ के रख दे रहे हैं ताकि हमारे जो बंदे हैं सही सलामत वो जो है यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे पहुँच जाएं। ये देखो भाग भाग के आ रहे हैं भाई, इतने सारे बंदे हैं यहाँ पे, भाग भाग के आ रहे हैं। और ये देखो सामने और भी बंदे हैं यहाँ पे, आरपीजी छोड़ रहे हैं। आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा जो स्मोक ट्रेल जो है आरपीजी के, ये देखो स्मोक ट्रेल एक तरीके का भाई यहाँ पे लकीर बन रहा है धुएं का, उससे पता चल रहा है कि भाई ये देखो आरपीजी छोड़ रहा है ये देखो। मगर ये बादल जो है कभी कभी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है भाई देखने में। कोई बात नहीं, हमने इस जगह से तो इनको सही सलामत लेके आ चुका हूँ मैं, और कहाँ तक जाएंगे ये लोग मुझे नहीं पता भाई, कहाँ तक जाएंगे आप लोग। और ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रैप यार्ड है शायद, गाड़ियों का भंगार खाना जिसको बोलते हैं भाई, तो यहाँ पे शायद बंदे हो सकते हैं और वो लोग शायद यहीं पे आएंगे। हाँ गाड़ी वहाँ पे रुक चुका है और बंदे यहाँ पे मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर मैं वो देखो वो लोग वहाँ पे उतर चुके हैं और अभी जो है पैदल ही वो यहाँ पे बंदे आ चुके हैं, यहाँ पे बंदे आ चुके हैं और इनको भाई फोड़ के रख देने का है भाई, किसी को नहीं छोड़ने का। एक दो बज जाए। ओ भाई साहब, अरे कहाँ से भाई, कहाँ से आ रहे हो सभी भाई साहब। ये देखो एक और भाग रहा है यहाँ से। अरे मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो भाई। ओ अच्छा, इस बिल्डिंग के अंदर था भाई, इस बिल्डिंग के अंदर से ये लोग निकल रहे हैं। बढ़िया है यार, बढ़िया है। और ये भाई बादल, अरे हट जाना सामने से, क्या कर रहा है दिखाई नहीं दे रहा मुझे सही से। किसको मार दूंगा फिर, अपने दोस्तों को अगर यहाँ पे मार दूंगा तो हो गया काम तमाम। सो गाइस देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अपने दोस्तों को जो है सपोर्ट किया है। और ये एक और बच गया यहाँ पे भाई, ये जो कैनन है काफ़ी ज़्यादा क्लोज चले जा रहा है हमारे भाई फ्रेंड जोन के पास। अगर ज़्यादा क्लोज चले जाएगा तो शायद वो लोग मर भी सकते हैं और मेरा मिशन जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उन लोगों से दूर रखने का। और यहाँ पे भाई कैनन का पावर बहुत ख़तरनाक है, कहाँ पे गिर रहा है भाई, बॉडीज़ को कहाँ पे उछाल के फेंक रहा है देखो एक बार। ऑलराइट यहाँ पे और भी कोई है क्या, मुझे और तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। ओहो रुक जाओ भाई, आप लोग थोड़ा धीरे धीरे करके आगे आ सकते हो, हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया। ये देखो धीरे धीरे करके आगे भी आ रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे और बंदे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई, सामने उधर वो भाई सामने वहाँ पे भाई, अरे भाग कर रहा है भाई, भाग कर रहा है कितना दूर। और ये देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे बंदे आ चुके हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैमरा का रोटेशन है जब तक ना इस तरफ आएगा तब तक हम इनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखो हमारे चॉपर्स भाई, ये जो चॉपर्स हैं ये हमारे चॉपर्स हैं, इन बंदों को उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इनका जो टैंक है इसको भी मैं फोड़ देता हूँ, बस बस भाई खत्म, काम खत्म। बहुत ही छोटा सा मिशन है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा मिशन तो नहीं है, काफ़ी प्यारा और क्यूट सा मिशन था। मतलब इस मिशन में भाई हमें खुद मरने का डर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम लोग हैं आसमान में भगवान के पास। तो यहाँ पे हमारे जो बंदे हैं धीरे धीरे करके भाई चॉपर्स में बैठ के अब उड़ जाएंगे। तो भाई मिशन यहीं तक था, ये बहुत ही छोटा और प्यारा सा मिशन था। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई इसके अगले पार्ट्स देखने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।